परमाणु एवं अणु चैप्टर का नाम है। इसके बारे में मैं बेसिक चीजें बता चुका हूँ। सबसे पहले जो इस चैप्टर की शुरुआत होगी, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। इस टॉपिक में हम केवल दो नियम के बारे में चर्चा करेंगे और दोनों ही नियम बड़े काम के हैं, 10th क्लास में भी बहुत काम आएंगे। बेसिक है, इसी के आधार पर जो है वो आगे की बातें भी, बहुत सारी बातें जो है इस पर आधारित होंगी। हालांकि इसको प्रैक्टिकली समझना ज्यादा जरूरी है बजाय रटने के। रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने के लिए आगे कुछ भी ऐसा कुछ आने नहीं वाला है ना। केवल और केवल आपको इसको समझना है कि रासायनिक संयोजन के नियम दो हैं और वो दोनों नियम क्या बोलते हैं, बस उसको जानना है बस। और कुछ भी आपको जो है इसको रटने की जरूरत नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, क्या काय की बात हो रही, कुछ भी नहीं। कुछ कुछ ज्यादा रटने की जरूरत है ही नहीं, तो समझने की जरूरत है बस। तो दो नियम के बारे में चर्चा करेंगे आज। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान मतलब आप समझते हो मास, जिसको बोलते हैं। संरक्षण मतलब कि सेव रहना, संरक्षित रहना, मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए मैंने जो है किसी चीज को कैसे समझाऊं, क्योंकि अभी आप फोर्स वगैरह सब पढ़े नहीं हो तो समझ में नहीं आएगा। संरक्षण का मतलब होता है जितना बल मैंने लगाया उतना ही बल दूसरी तरफ से भी लग जाए, है ना। तो ओवरऑल बल क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, उसको बोलते हैं संरक्षण। संरक्षण मतलब आप ये बोल सकते हो कंजर्व रहेगा। कंजर्व कैसे कैसे समझाऊं, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। ये संरक्षण बल शायद आप पहली बार समझ रहे होंगे इस चीज को। संरक्षण बल को आज जो है वो इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आप समझ जाओगे। इसके बेस पर हम जो है वो आगे भी बातें करेंगे। ये संरक्षण बहुत बार आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको कंजर्वेशन बोलते हैं, इंग्लिश में कंजर्वेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे अपन, अभी कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, शुरुआत ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में जाएगा। तो शुरुआत ही उन्होंने प्रैक्टिकल से करी हुई है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं निम्नलिखित एक्स और वाई रसायनों के युगल लीजिए। युगल लीजिए मतलब कपल लेना है अपन को। एक्स कपल कैसे लेना है? इसमें कॉपर सल्फेट लेना है, बेरियम क्लोराइड लेना है और लेड नाइट्रेट लेना है। फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लेना है, दो लेना है। किसी एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायन के अलग अलग 10 मिलियन जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल वाई में किसी युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए, एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। बोल रहे हैं कोई भी एक्स का कोई युगल ले लीजिए, मतलब कोई भी केमिकल ले लीजिए, और इस दूसरा जो है वो वाई का युगल ले लीजिए। कुछ भी आपको ले लेना है अपने एक्स और वाई को ले लेना है ना। छोटी परख नली में अब देखना ये केमिकल इन्होंने लिए क्या, ये शंक्वाकार ये दिख रही है। 2 मिनट इसका वीडियो देखता हूँ मैं, अगर वीडियो मिल जाता है तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये जैसे आपको परख नली और शंक्वाकार ट्यूब दिख रहा है ना, इसमें हमको क्या करना है, पहले परख नली में एक केमिकल का मिक्सचर रखना है और दूसरे उसको परख नली को हमको शंक्वाकार फ्लास्क में रख देना है ना। लॉ ऑफ मास, सिद्धार्थ राजपूत 9th क्लास में ही है क्या? सिद्धार्थ राजपूत आप 9th क्लास में हो ना बेटा? हाँ भैया, 9th में ही है। चलो लॉ कंजर्वेशन का अपन वीडियो देखते हैं। एनिमेशन का वीडियो है, प्रैक्टिकली इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। लॉ ऑफ Shown here, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक शंक्वाकार फ्लास्क ले रहे there हैं, is a है ना। small experiment that will help us understand the law of एक conservation of mass. शंक्वाकार फ्लास्क लिया उन्होंने, और क्या इसमें क्या का विलयन लिया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, है ना। और उसके बाद क्या किया, एक परख नली को कॉर्क के माध्यम से टांग दिया उसके अंदर, और परख नली में दूसरा केमिकल भरा हुआ है वो है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। वो काय का है, सोडियम सल्फेट। कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल के नाम याद नहीं हो रहे मत होने दो, अभी बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले फ्लास्क लिया, फ्लास्क में केमिकल डाल दिया है, फिर उसके बाद एक परख नली ली हुई, लटकाई हुई है परख नली, उसमें भी दूसरा केमिकल डाला हुआ है ना। और इसका क्या करा फिर उन्होंने, केमिकल अभी मिले नहीं है, केमिकल इसके अंदर है नहीं, और इसका क्या करा उन्होंने, एक भार एक उसके माध्यम से स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से इसका वेट ले लिया कि इसका मास कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है ना। तराजू पे रखकर भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करा, इस शंखों का फ्लास्क को थोड़ा सा हिलाया, तो जो परख नली का केमिकल रहेगा वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर के केमिकल से मिल जाएगा। अब बाहर के केमिकल से मिल जाएगा तो एक रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन क्या होगी, नया केमिकल बनाएगी। तो नया केमिकल बन जाने के बाद हम फिर से एक बार भार, इसका द्रव्यमान जो है वो नापेंगे।
भार और द्रव्यमान में फर्क होता है, तो हम ये चीज देखेंगे कि जब अभिक्रिया हुई नहीं थी, जब अभिक्रिया हुई नहीं थी तब जितना द्रव्यमान था ना, अभिक्रिया होने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा, मतलब उसका वेट पहले जितना था उतना ही अभी होगा। देखो वेट कहना यहाँ पर गलत होगा, मुझे भार यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस केस में जो है वो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जितना भार रहेगा उतना ही भार इसका यहाँ पर आने वाला है, सेम रहने वाला है, मतलब अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान था वही अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर द्रव्यमान और भार में जो है एक फर्क होता है जो कि हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, है ना। अभी यहाँ पर आप द्रव्यमान से समझते हो तो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा जितनी यहाँ पर थी उतनी यहाँ पर रहेगी, कोई इसमें कोई बड़ी बात है क्या? कुछ भी नहीं है, वो केमिकल जो परख नली में था उसने बाहर निकाल दिया, तो इससे रिएक्शन हो जाएगी, तो वेट थोड़ी ना चेंज होने वाला है। नया कोई केमिकल आया है क्या? नहीं आया है उसमें, तो यहाँ पर वेट या मास बोलेंगे अपन, द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं हुआ, है ना। ऐसी दूसरा प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का, है ना, उसको अगर हिलाएंगे तो भी वेट सेम ही रहने वाला है, वेट जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। इसका देखते हैं लाइव एग्जांपल इन्होंने किया हुआ है कि नहीं, एक प्रैक्टिकल इन्होंने किया हुआ है, देखते हैं। कैसे करा है इन्होंने, बेकिंग सोडा और विनेगर से किया हुआ है, ये हम भी घर पे भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। और इसके लिए इन्होंने क्या So करा है, I'm going to demonstrate the law of conservation of mass. And द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको समझाने वाली है, तो उसके लिए जो है इन्होंने जरूरी सामान जो यहाँ पर लिया है, टिश्यू पेपर लिया हुआ है, यहाँ पर विनेगर लिया हुआ है, बेकिंग सोडा लिया हुआ है, विनेगर इसमें you do do it. So to demonstrate this, I'm gonna scale I'm gonna use to measure it यहाँ पर won't एक detect the वो gas पैमाना रखा because हुआ है, it's in the मतलब air. वेट नापने के लिए। So yeah, vinegar. So that's, give it a second. Have our vinegar. Little bit more. I'm also gonna put that on there. देखना इन्होंने क्या कह रहा है, विनेगर रख लिया, वेंग स्केल जो यहाँ पर भार नापने की जो मशीन है उस पर विनेगर रख लिया और बेकिंग सोडा रख लिया, And all अब of that उसका टोटल मास कितना आ रहा is है, 0.230 ग्राम, है ना, 0.23 ग्राम। हट जा, ये इनका शरीर सर दिख रहा है, अब आ रहा है 104 grams. 104 ग्राम आ रहा है टोटल, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, Now we're going to do the experiment and see if the mass इसके changes बाद क्या करेंगे, after the two chemicals react. इसके बाद ये जो विनेगर विनेगर पन्नी में भरा हुआ है जिसमें जिप लाइन वाली पन्नी है, पैक हो सकती है, उसमें क्या कर देंगे, ये बेकिंग सोडा डाल देंगे, So I'm going to take my vinegar baking soda in here and I'm not बेकिंग going to सोडा let it इसको अंदर fall just yet. अभी अभी I'm just मिलाना going नहीं to चाह रही है, hold on to it. I'm going to squeeze. वो बोल रहे हैं कि अभी मिलाना नहीं चाह रही हूँ, तो इसको अभी जो है वो केवल उसके ऊपर रखा हुआ है, And then I'm going to have और फिर इसको it बंद is करने के fizzing. बाद, There's a बंद करने के reaction बाद going देखो on here. यहाँ You पर can रिएक्शन see हो रही है, all the gas. यहाँ पर जो है अंदर रिएक्शन हो रही है, तो देखो आपको बबल बनते हुए दिख रहे होंगे, कितने बबल बन रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन होती है सोडियम, जब हम सिरके को, मतलब जो हमारे पास विनेगर होता है, विनेगर की क्रिया हम जब इससे करवाते हैं बेकिंग सोडा से, तो एक रिएक्शन होती है, तो अब ये रिएक्शन हो रही है जिसमें गैस भी बन रही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रही है और गैस जो है वो बाहर नहीं जा पा रही, अब क्या कर रहे हैं ये फिर से इसका वजन नाप रहे हैं, है ना, इसका जब वजन नाप रहे हैं तो आप देखोगे उसका वजन जो है वो लगभग लगभग उतना ही आ रहा है जितना पहले था, अभी अभी 103 दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, Two grams. If I had a more accurate scale, you would see they would be pretty much the same. There would be slight differences. यहाँ पर आप देखोगे जो वेट आ रहा था वो 103 आ रहा था, यहाँ बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो वेट आ रहा था यहाँ पर आपको हल्का सा दिख रहा होगा यदि, तो ये 103 के करीब है ना, 103 103 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले कितना था, 104 था, पहले जब सूखा हुआ था रिएक्शन नहीं हुई थी, 104 था, है ना, फिर 103 हो गया वो, तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि एक्यूरेसी नहीं थी यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये चीज बीकर में की जाती, एक्यूरेसी के साथ की जाती, तो यहाँ पर एक्यूरेसी मतलब टाइट इक्विपमेंट यूज किए जाते, तो जब भी हम विनेगर में खाने का सोडा डालते हैं ना, ये आप घर पे भी करके देख सकते हो, विनेगर में जब भी हम खाने का सोडा डालते हैं तो एक रिएक्शन होती है और गैस निकलती है,
है ना। अब क्या करा इन्होंने, जब सूखा लिया, सूखा वेइंग स्केल पर रखा तो वो 104 ग्राम आ रहा था। अब उसके बाद क्या करा, उसको विनेगर को उसके अंदर मिला दिया और जिप लाइन पैक कर दी। अब वो जिप लाइन, जो जिप वाली पॉलिथीन रहती है, वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती कि गैस पूरी नहीं निकल पाए उसमें से, है ना। तो क्या हुआ, जो गैस बनी वो गैस निकल गई हल्की सी, और उसका वेट थोड़ा सा कम हो गया, कितना हो गया, 103 ग्राम हो गया। लेकिन लीगली अगर हम अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से उसको सॉल्व करते, उसको परफॉर्म करते, कॉक वगैरह लगा के उसको परफॉर्म करते, गैस को नहीं निकलने देते, तो हमारा जो मास आने वाला था, जो द्रव्यमान आने वाला था, वो पहले 104 ग्राम था, अब भी 104 ग्राम आने वाला था। मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था, उतना ही अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान होने वाला था। बस यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और संरक्षण वर्ड से मतलब क्या है, संरक्षण से मतलब यही है, पहले जितना जितनी चीज थी ना, बाद में भी उतनी है। इसी को कंजर्वेशन बोलते हैं, है ना, इसी को संरक्षण बोलते हैं। और बहुत बार शब्द आएगा संरक्षण, याद रखिएगा, है ना, संरक्षण। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और बराबर होता है किससे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, है ना। तो इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। सिंपल सा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले का जितना द्रव्यमान रहेगा, वो बराबर होगा किसके, रासायनिक अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान से। इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। तो कितना सिंपल सा है, बेसिक सा है। क्या है क्या है उसमें, कुछ भी तो नहीं है। कोई दो केमिकल का रिएक्शन करवा रहे होंगे हम, तो पहले जितना द्रव्यमान था, जब हमने रिएक्शन करवाई नहीं है, जब उसका जितना द्रव्यमान था, रिएक्शन करवाने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। कोई इसमें बड़ी बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखना, यहाँ पर संरक्षण वर्ड क्यों जरूरी हो जाता है, आगे बहुत आएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आएगा, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, ऊर्जा हमेशा, ऊर्जा को कभी बनाया नहीं जा सकता, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे 10वें चैप्टर में आएगा वो, 10th क्लास में नहीं, आपकी 9th क्लास में आएगा, 10वें चैप्टर में आएगा, 10वें 9वें चैप्टर में आएगा, उसके बारे में देखेंगे। ऊर्जा के नियम के बारे में आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ संरक्षण वर्ड से आपको तात्पर्य होगा क्या, क्या होता है संरक्षण, पहले और बाद की चीज समान होती है, उसको क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। ठीक, तो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आपसे ये बोला जा रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसको बोलेंगे, अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान दोनों ही बराबर होते हैं, उसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ये वाला केमिकल, ये वाला प्रैक्टिकल तो समझ में आ गया, बुक पर आते हैं। ये हो गया पहला नियम आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा, मतलब द्रव्यमान नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही नया द्रव्यमान बनाया जा सकता है, बस द्रव्यमान को कन्वर्ट किया जा सकता है एक द्रव्यमान से वो दूसरे द्रव्यमान। अब जैसा अपन ने अभी बेकिंग सोडा वाला प्रयोग किया, तो बेकिंग सोडा पहले क्या था, बेकिंग सोडा देखा है ना आपने घरों में सोडा यूज करते हैं, वो सॉलिड था, ठोस था। उसमें हमने क्या मिलाया, जो हमारा सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, सिरका मिलाया, वो कैसा था, लिक्विड था, लिक्विड था ना, ठोस और लिक्विड था, दोनों को मिलाया तो एक लिक्विड तैयार होगा और साथ में निकलेगी एक गैस, जो कि कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, है ना। वो गैस जो निकलेगी, गैस को कैसे मेजर कर सकते हैं हम, लेकिन अगर उसको टाइट बॉक्स में बंद करके रख दिया जाए तो गैस वहीं की वहीं रहेगी, और जब उसको खोल देंगे तो गैस रिलीज हो जाएगी और भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। द्रव्यमान पहले जितना था अब भी उतना ही है, बस गैस का द्रव्यमान हमको नापना आना चाहिए। अगर हम सही ढंग से नाप पा रहे हैं गैस का द्रव्यमान, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से हम जो है वो गैस का द्रव्यमान नाप सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, द्रव्यमान कोई द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ है, पहले जितना था दोनों ठोस और लिक्विड का, वैसे ही अभी भी है, अब बस लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो गया है, ठोस नहीं है, वहां पर लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो गया है, वो द्रव्यमान हो जाए, पहले जितना था उतना ही अभी भी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसमें कोई परेशानी है नहीं। दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम।
ये थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। लवाइजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक, यौगिक समझ लो ना, दो तत्वों के मिक्सचर को, तत्व भी बता चुका हूँ मैं, यौगिक भी बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में। तत्व जो है 118 है आपको मालूम है, और उन तत्वों के कॉम्बिनेशन से यौगिक बनते हैं, जैसे कि पानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है, कंपाउंड बोलते हैं यौगिक को इंग्लिश में, है ना। और तत्वों को एलिमेंट्स बोलते हैं, तत्वों को एलिमेंट्स बोलते हैं और यौगिकों को कंपाउंड बोलते हैं। लास्ट क्लास में देख चुके हैं हम यौगिक और मिक्सचर में अंतर देखा था अपन ने, है ना। तो लास्ट चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में देखा था अपन ने, थोड़ा सा टाइम हो गया है लेकिन हाँ फिर भी याद होगा मेरे ख्याल से। तो यौगिक जो कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए यौगिकों के बारे में बताया कि जितने भी यौगिक होते हैं ना, वो यौगिक जो है दो या दो से अधिक, यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक तत्वों का मिक्सचर होता है, ये तो हमको पता ही है कि यौगिक कैसे बनते, पता है ना मेरे ख्याल से। प्रकृति में 118 तत्व पाए जाते हैं, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पानी H2O, H2O क्या है, यौगिक है। किस किस का यौगिक है, कौन कौन से तत्व मौजूद है H2O में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। उदाहरण के लिए बात कर लूं मैं आपके खाने का नमक, जो ना खाने का नमक होता है, किसी को याद है नमक का फॉर्मूला क्या होता है, खाने का जो नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो उसमें कौन कौन से दो, सोडियम जो खाने का नमक है वो भी यौगिक है, क्योंकि दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और उदाहरण ले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कोई को फॉर्मूला याद है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। तो CO2 भी यौगिक है, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, दो हैं, इसलिए उसको CO2 बोल रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। साथ ही इसके बाद हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे अमोनिया का याद होगा, अमोनिया का फॉर्मूला याद है किसी को, देखते हैं किसको याद है अमोनिया गैस का फॉर्मूला। NH3 हाँ NH3, बहुत अच्छे। तो अमोनिया जो था वो उसका वो भी यौगिक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। ये यौगिक जो है वो ज्ञात हो चुके थे वैज्ञानिकों को, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और बताया कि ये यौगिक जो है ना सिंपल सिंपल कुछ निश्चित अनुपात में, मतलब निश्चित मात्रा में अब आपस में क्रिया करते हैं तभी कोई नया यौगिक बनता है। मतलब जो तत्व, देखो आपको ये तो समझ में आ गया, यौगिक किसका मिश्रण, तत्वों का, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन तीन तत्व है उसमें, है ना, दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, बस इतना मालूम है। तो यौगिक के उदाहरण ढेर सारे पड़े हुए हैं। तत्व कितने हैं, 118। तत्व में जो है वो धातु आ जाते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, पारा, सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, ये सारे तत्व हैं। और ये तत्व आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। इसमें तो क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट नहीं है ना, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो 118 तत्व में वो किसी भी अनुपात में आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो ढेर सारे यौगिक बन जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या करा, उन्होंने कुछ सोचा कि उन्होंने जो है इन पर अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि ये जो तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं ना, वो एक निश्चित निश्चित या स्थिर अनुपात में मिलते हैं। मतलब जैसे उदाहरण के लिए पानी बन रहा है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित मात्रा में जुड़ेंगे तभी पानी बनेगा, नहीं तो हर कभी पानी नहीं बन जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन निश्चित मात्रा में मिलेंगे तब ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर ज्यादा कम मात्रा होगी तो नहीं बनेगा, है ना। उन्होंने जो है इसी इसी को जो है स्थिर अनुपात का नियम बोला जाता है। मतलब जो तत्व आपस में मिलकर यौगिक बना रहे हैं ना, वो तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में होंगे। अनुपात मतलब कि अनुपात समझते हो कि नहीं, ये अनुपात वाला मामला समझ लो भैया, अनुपात मामला मामला अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ में भी नहीं आएगा। अनुपात बोलते हैं इंग्लिश में इसको, रेशियो बोलते हैं, और अनुपात का मतलब हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई मेरी हाइट किसी आपकी क्लास के बच्चे की हाइट से, किसी को कंपेयर कर लूँ ऋषि से कर लेता हूँ, जीत तो लंबा हो गया, ऋषि जो है ऋषि की हाइट जो है वो मेरी हाइट, मैं आप सभी से लंबा हूँ, ऋषि की हाइट मेरी हाइट की आधी है मान लो, अभी के लिए आधी से ज्यादा होगी, उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, बुरा मत मानना ऋषि, है ना, केवल उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, समझने के लिए कुछ, तो वो नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ गलत गलत, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप में से उदाहरण लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, आपको समझ में जाता है। मेरी हाइट अभी मेरी हाइट लगभग मान लीजिए 5 फुट है,
तो ऋषि की हाइट जो है वो 2.5 फुट है नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ है नहीं, चलो कैसे समझाऊँ अब, आयु देख लेते हैं, आयु तो सही रहेगी ना, ठीक है आयु मान लेते हैं, हाइट को छोड़ो, हाइट उसकी नहीं है 2.5 फुट, ज्यादा ही है उससे, आयु मान लेते हैं, मेरी आयु 25 वर्ष है, 25 को 30 कर देता हूँ मैं क्योंकि राउंड फिगर में रहेगा तो अच्छा, मेरी एज जो है वो 30 साल है, मान लीजिए 30 साल है, और ऋषि की एज जो है वो 15 साल है, मतलब मेरी एज 30 साल और ऋषि की एज 15 साल है नहीं, तो हम दोनों की आयु का अनुपात कितना हो गया, 30/15 यानी कि 2/1, हम दोनों की जो आयु है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया, जैसे मान लीजिए दूध और पानी का अनुपात ले लेते हैं, दूध वाला पानी मिलाता है, दूध में मिलाता है, मान लीजिए वो 1 लीटर दूध, आधा लीटर पानी मिला, 1 लीटर दूध और आधा लीटर पानी, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2, 2 भाग किसके हैं, दूध के, 1 भाग किसका है, पानी का, या 2:1 भी बोल सकते हो, दो दो भाग किसके हैं, 2 भाग जो है वो दूध के और 1 भाग किसका है, पानी का, इसको बोलते हैं अनुपात, यही अनुपात जो है तत्वों में जब आ जाता है, इसी निश्चित निश्चित अनुपात में जब ये तत्व आपस में मिलते हैं तो काय का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना, तो ये मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है जो आप समझ में आ रहा होगा, एक उदाहरण लिया हुआ है उन्होंने, शायद और अच्छे समझ में आए, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा हमेशा 1:8 होता है, मतलब क्या, जो जल में जल मालूम है ना, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसमें, हमेशा हमेशा ही जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो 1:8 होगा, मतलब क्या, अनुपात का मतलब क्या, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल अपघटन करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी, मतलब यदि हम बात करें 9 ग्राम जल बना रहे हैं, यदि हम 9 ग्राम जल बन रहा है हमारे पास, तो उसमें 1 ग्राम क्या होगी, हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, इस अनुपात का मतलब समझ में आ रहा है, 1:8 का मतलब क्या है, इसमें 1 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन, जरूरी नहीं 1 ग्राम ही हो, हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी संख्या का, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपके सामने विंडो लाता हूँ, यहाँ पर जो जल का अनुपात बन रहा है वो बन रहा है H2O, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात कितना है, 1:8 का, है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बटे ऑक्सीजन, इसका अनुपात कितना है, 1:8, 1:8, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलके ही जो है वो 9 ग्राम जल बनाएगा, नहीं जरूरी नहीं है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2/2 इसका टोटल हो जाएगा 2/16, मतलब कितना, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन आपस में मिलकर जो है वो कितने ग्राम पानी बना लेंगे, 9 दूनी 18, 9 यहाँ पर 9 था ना, तो 9 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ग्राम पानी बना लेंगे, मतलब 18 ग्राम पानी में, 18 ग्राम पानी में कितने ग्राम हाइड्रोजन होगी, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितने ग्राम होगी, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये स्थिर अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात क्या बोलता है, स्थिर अनुपात बोलता है कोई भी यौगिक यदि है तो उसमें जो तत्व आपस में मिले हुए हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, उनके बीच में अनुपात एक निश्चित है, जैसे कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1, 1:8 है, मतलब 1 भाग क्या होगा, हाइड्रोजन और 8 भाग करके होंगे ऑक्सीजन के भाग होंगे, है ना, तो इसको जो है वो उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ग्राम ही हमेशा हाइड्रोजन होगी, 8 ग्राम ही ऑक्सीजन होगी, नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई करके जो इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन कर दिया तो 16 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगी, है ना, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, एक और उदाहरण लेते हैं, अमोनिया का उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर अमोनिया का जो NH3 का जो फॉर्मूला होता है, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है उसका अनुपात 14:3 होता है ना, इसको और एक बार देख लेते हैं, NH3, NH3 इसका जो अनुपात होता है वो 14:3 होता है, 14:3 मतलब क्या, मतलब ये कि नाइट्रोजन के भाग 14 होंगे और हाइड्रोजन के भाग 3 होंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के भाग 14 और 3 होंगे, मतलब नाइट्रोजन को मैं यदि ऊपर लिखूं और हाइड्रोजन को नीचे लिखूं तो नाइट्रोजन का यदि 14 रहेगा तो हाइड्रोजन का 3 भाग रहेगा, मतलब
अगर मैं टोटल 17 ग्राम हाइड्रोजन अमोनिया गैस प्राप्त कर रहा हूँ, टोटल 17 ग्राम यदि मैं बात कर लूँ, यहाँ पर जो एन और एच है टोटल कितनी ग्राम है, 17 ग्राम है यदि, तो उसमें 14 ग्राम क्या होने वाली है, 14 ग्राम नाइट्रोजन होने वाली है, और 3 ग्राम क्या होने वाली है, 3 ग्राम हाइड्रोजन होने वाली है। तो टोटल ये 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन आपस में मिलकर कितने ग्राम अमोनिया बनाएंगे, 17 ग्राम अमोनिया बनाएंगे। क्या हमेशा इतना ही ग्राम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। 2 का मल्टीप्लाई, चलो इस बार 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 पंजे 5 का मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस साइड भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70 70 ग्राम, 70 ग्राम नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितने ग्राम हो जाएगी, 5 दिया 15, 15 15 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगी, और ये 17 और 15 टोटल मिला के कितने ग्राम बनाएगी, 17 पंजे 17 पंजे 85 85 ग्राम अमोनिया गैस बनाएंगे, है ना। तो देख रहे हो ना आप, पहले इसका जरूरी नहीं है कि 14 और 3, ये अनुपात अभी भी वही है। अगर आप इसको काटोगे, 17 और 15 को काटोगे ना, फिर से आपको वही मिल जाएगा। देखो 5 से काटो इसको, 5 एकम 5 बचा 2, 5 दूनी 10, नहीं बचा 2, 5 चौको 20, और इसको काटोगे तो 5 तीया 3, देखो रेशो अभी भी 14:3 ही आया ना, हमेशा रेशो यही रहेगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन बढ़ सकता है जिससे मात्रा भी बढ़ सकती है, तो अमोनिया जो है वो 85 ग्राम हो जाएगी, जिसमें 17 ग्राम नाइट्रोजन होगी और 15 ग्राम हाइड्रोजन होगी। ये होता है स्थिर अनुपात का नियम, है ना। दो उदाहरण लिए हुए हैं, कल और भी बात करेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत हिम्मत करके आया हूँ, तो आज थोड़ा सा कम ही पढ़ाऊंगा, हालांकि दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने जो कि बताया आपको, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।